आज मैं आपको बेल्ट वाले ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताऊंगी दोस्तों, बहुत इजी से मेथड में। तो ये देखिए, ये मैंने इसका इनर लिया है और ये जो मेन फैब्रिक है ये वो है ब्लाउज का। इसके साथ में ये लेस अटैच थी, ये मैंने हटा दी है। उसके लिए दोस्तों हमने इस माप की जरूरत पड़ेगी, मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। जैसे की लेंथ मैंने रखनी है 13 इंच, शोल्डर हम रखेंगे 15 इंच, यानी कि हमारा जो तैयार है वो 15 इंच है। चेस्ट है 34, कमर है 28 और जो नेक है वो हमारा जो फ्रंट है वो 6.5 है और जो बैक है वो 9 इंच का है। तो दोस्तों इसके अकॉर्डिंग ही हम पूरे ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इनर पर कटिंग करेंगे। तो ये हमने इनर को इस तरह से ओपन कर लिया है। तो दोस्तों हमने इस ब्लाउज के बैक में हुक लगाने हैं, आगे बेल्ट वाला हम इसको तैयार करेंगे। तो जब हम बैक में हुक लगाते हैं तो ये कटिंग, जैसे कि हमने ओपन हिस्सा इधर करने की बजाय इसको बंद हिस्से की तरफ से कटिंग करेंगे। ये मैंने मेरी तरफ बंद हिस्सा कर लिया है, ये एक सीधी लाइन ड्रॉ की है यहाँ पर ऐसे, और यहाँ से हम कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। मैंने पहले भी वीडियो अपलोड कर रखी है दोस्तों सिंपल ब्लाउज की, बट फिर भी एक बार बता दूं, जैसे कि हमने लेंथ तैयार रखनी है 13 इंच, उसमें हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं अगर हमने बिल्कुल सिंपल ब्लाउज लेना है तो। बट हमने इसमें बेल्ट लगानी है, यानी कि बेल्ट वाला ब्लाउज तैयार करेंगे तो उसमें हम 3.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो ये हमारा हो गया 16.5 इंच, 1/2 इंच ऊपर दबेगा 1/2 इंच नीचे दबेगा, उसके लिए हमने 1 इंच एक्स्ट्रा और लिया है। तो ये देखिए, बस सबसे पहले तो हमने एक ये बात ध्यान रखनी है, सिंपल ब्लाउज कट कर रहे हैं उसमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा लंबाई में, और अगर बेल्ट वाला ब्लाउज कट कर रहे हैं तो उसमें हमने 3.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। उसके बाद हम शोल्डर लेंगे। अगर ये मैं बैक में हुक लगा रही हूँ इसलिए मैं बंद हिस्से की तरफ से लगा रही हूँ। एक बात और हमने ध्यान रखना है दोस्तों, जब भी हम इसका शोल्डर कट करेंगे वो शोल्डर हम बंद कपड़े की तरफ से ही लेंगे, यानी कि इधर से हम शोल्डर लेंगे, इधर से हम शोल्डर नहीं लेंगे। अगर हम शोल्डर इधर से लेंगे तो हमारा साइड वाला फैब्रिक भी यूज हो जाएगा, ये वेस्ट नहीं जाएगा। अगर यहाँ से शोल्डर लेंगे तो ये वेस्ट चला जाएगा। तो यहाँ से हमने शोल्डर इनका रखना है 6 इंच। ये मैं कट स्लीव ब्लाउज की कटिंग बता रही हूँ दोस्तों आपको, स्लीवलेस की। तो ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से समझ आएगा। 6 इंच मैंने यहाँ से लिया, एक बार सामना देखने के लिए 6 इंच ही मैं यहाँ से निशान लगा रही हूँ। उसके बाद मैंने 6 इंच ही इसका आर्म होल लिया है दोस्तों, क्योंकि जब भी हम स्लीवलेस कुछ भी कुर्ती या ब्लाउज बनाते हैं तो उसका आर्म होल हम छोटा ही लेते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं लेते। उसके बाद हमने इसका बस्ट का माप जो लिया था वो था 34 इंच। तो 34 में हम कुर्ती अगर हमारी होती है तो उसमें हम 4 इंच प्लस करते हैं, उसके बाद उसका 1/4 हिस्सा करते हैं, बट इसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा और अच्छी फिटिंग आएगी। तो जो 34 था इसमें हमने 2 इंच प्लस किया, हमारा हो गया 36 इंच। 36 को हम का 1/4 हिस्सा करेंगे तो हमारा हो गया 9 इंच। तो हम जो ये निशान लगाएंगे ये 9 इंच पर लगाएंगे। उसके बाद हमने 2.5 या 3 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है, ये हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया। अब हम जैसे कि 2.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया तो हमारा जो टोटल यहाँ से मापेंगे वो हो गया 12 इंच। जो निश्चे से हम निशान लेंगे वो हम 11.5 इंच लेंगे, 1/2 इंच हम कम लेते हैं कोई भी ब्लाउज हुआ। यहाँ से इसको सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे एक बार, यहाँ से हल्की सी राउंड शेप दे देंगे ऐसे। अब एक बार इसको हम पूरे को कट कर लेते हैं। अब ये देखिए, जैसे कि मैंने फ्रंट हिस्सा इसका कट कर लिया है तो उसके लिए हमने क्या करना होगा, सबसे पहले हमने आगे से 5.5 इंच पर निशान लगा लेना है। एक निशान हम बैक हिस्से की तरफ लगाएंगे 3.5 इंच पर,
साढ़े पांच साढ़े तीन ये हम बेल्ट के लिए निशान लगा रहे हैं। उसके बाद हमने ये निशान इस तरह से तिरछा कर लेना है, ऐसे ये हमने ऐसे तिरछा किया, ये हमने जैसे एक बार सीधी लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लिया। उसके बाद हमने हल्की सी शेप अपने हिसाब से देनी है, यहाँ से हम ऐसे सीधा लेंगे एक बार और हल्की सी राउंड शेप देते हुए यहाँ से ऐसे इसको इस तरह से मिला देंगे। पहले हमने सीधा कर लेना है, उसके बाद हल्की सी राउंड शेप देनी है ताकि जो हमारा कप है वो अच्छे से सेट हो जाए। तो अब हमने क्या करना है, इनको कटिंग कर देना है यहाँ से। अब हमने बैक हिस्सा कट करना है, तो बैक हिस्सा हम कैसे कट करेंगे, ये हिस्सा हमने इस तरह से उठाया, इसको एक बार अच्छे से हम सेट कर लेते हैं ऐसे। उसके बाद हमने जितनी लेंथ है उसमें 2 इंच प्लस करते हुए एक सीधी लाइन इस तरह से खींच लेनी है, क्योंकि हम जो सिंपल ब्लाउज तैयार करते हैं उसमें भी हम यानी कि आगे जैसे 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं तो पीछे 2 इंच ही एक्स्ट्रा लेते हैं, 1/2 इंच कम लेते हैं फ्रंट से। तो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है जितनी हमारी लेंथ तैयार है उससे, और इसको यहां से हम कट कर लेंगे ऐसे। ऊपर वाला जो हिस्सा है वो सेम एक जैसा कटेगा, बट नीचे हमने अपना बैक हिस्सा जितना तैयार रखना उस हिसाब से ही कट करना है। ये हमारा बैक हिस्सा और फ्रंट हिस्सा कट गया है। अब मैं इसके प्लेट्स के निशान बताती हूँ कि वो कैसे लगाते हैं। जैसे कि ये हमने फ्रंट हिस्सा उठाया और जितना भी हमारा प्लेट पॉइंट आता है उस पर हमने निशान लगा लेना है, यानी कि 10 इंच पर हमारा जैसे कि प्लेट पॉइंट आ रहा है तो एक सीधी लाइन ऐसे ड्रॉ की, और उसके बाद हमने यहां से 3.5 इंच पर निशान लगा लेना है, यहां से 3.5 इंच पर ये निशान लगा लेना है, और एक निशान 2 इंच के करीब हम यहां पर लगाएंगे, एक तीसरा निशान हम इन दोनों के बीच यहां पर लगाएंगे। इनके ये निशान जो हम लगाते हैं वो इन दोनों का सेंटर होता है बिल्कुल इक्वल। एक निशान हम वैसे सिंपल ब्लाउज में यहाँ भी लगाते हैं, बट ये आगे से ओपन नहीं है, बंद हिस्सा है आगे से, तो हम आगे वाली प्लेट्स नहीं डालेंगे। अब हमने क्या करना है, नीचे से भी 3.5 इंच जैसे लिया और यहाँ से सीधी एक प्लेट तो हमारी ये चली गई और एक यहाँ आ गई और एक ये हमारी ऐसे चल जाएगी, तो ये हमारी 3 प्लेट्स डलेंगी इस तरह से राउंड शेप में। जैसे कि ये ज्यादा हेल्दी नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग हमने लगभग 2-2 इंच का ही डिस्टेंस लिया है दोनों में, यहाँ से भी और यहाँ से भी। अगर ज्यादा हेल्दी हो तो हम ज्यादा भी ले सकते हैं, 2.5-3 तक, और ज्यादा और भी कम है तो हम 1.5-1 इंच तक भी गैप हम रख सकते हैं। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि हमने जो प्लेट्स डाली वो कैसे डाली है। यहाँ से हमने कट लगा लेने हैं ताकि हमारी जो प्लेटें हैं वो इक्वल डले दोनों हिस्सों पर। अब हमने यही निशान सेम बैक हिस्से पर भी लगा लेने हैं, जैसे हमारे यहाँ से शो हो रहे हैं तो हम यहीं से लगा देते हैं एक बार, वरना आप टैप टैप करके भी लगा सकते हो। तो ये हमारे इक्वल निशान हो गए हैं। उसके बाद मैं इसको आपको जोड़ना भी बताऊंगी। ये हमारा कट स्लीव है तो स्लीव हम इसकी कट नहीं करेंगे। उसके बाद जो मेन फैब्रिक है इसके ऊपर रखकर भी हम सेम ऐसे ही इसको कट कर लेते हैं एक बार। तो बैक हिस्सा हमारा रह गया था, तो बैक हिस्से में भी हम प्लेटें जो डालेंगे वो 10 इंच पर ही मैंने डाली हैं, और 3.5 इंच पर ही हमने ये निशान लगाया। ये प्लेटें भी हम इस तरह से दोनों तरफ लगा देंगे निशान। अब हम जो ये फैब्रिक है इस पर रखकर इनको कटिंग कर लेंगे। जैसे कि ये मैंने जो मेन फैब्रिक है इसको उठाया, और जो ओपन हिस्सा है वो हमने ओपन ही रखना है यहाँ ऐसे, और जो ये बंद हिस्सा है वो हमने बंद हिस्से की तरफ रखना है। यहां से हम इसको रखकर भी ऐसे कट कर लेंगे। एक बार पूरे को हम कट कर लेते हैं।
तो देखिए ये हमने इसकी कटिंग कंप्लीट कर ली है, मैं आपको इसकी स्टिचिंग भी बताऊंगी। उससे पहले एक बार हम एक तो फ्रंट हिस्से की थोड़ी सी छटाई कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ से हम इसकी छटाई ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि ये कट स्लीव है, अगर वैसे होता तो हम थोड़ी सी ज्यादा भी कर लेते। तो ये मैंने हल्की सी ही छटाई की है। जो आगे का नेक है वो हमने 6.5 इंच रखना है, तो हम इस पे बुकरम का नेक लगाएंगे, वो जब मैं स्टिचिंग करूंगी तब दिखाऊंगी। और जो बैक नेक है दोस्तों वो हमने कैसे रखना है, जैसे कि 1.5 इंच हमारी पट्टी फोल्ड होएगी और 3 इंच की पट्टी हमने तैयार रखनी है। तो जैसे कि इतना हमने तैयार रखा और ऊपर से जैसे 3 इंच का हमने निशान लगाया, अब जितना भी हमारा ये हिस्सा बच गया यानी कि 10.5 इंच, तो हमने इतना ही नेक तैयार करना है ऐसे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये हमारे क्लाइंट बोलते हैं कि हमने ओनली 3 इंच की 2 इंच की पट्टी ही रखवानी है, तो आप उनका नेक कुछ इस तरह से ही तैयार करोगे, नीचे ऐसे फोल्ड करने के लिए फैब्रिक रखना और जितना आपको पट्टी रखनी है वो रखना और बाकी सारे का नेक कट कर देना। हमने सबसे पहले इस पर कच्ची सिलाई लगा ली है, ये हमारा बैक हिस्सा है और ये फ्रंट हिस्सा है, फ्रंट हिस्से पर भी मैंने कच्ची सिलाई लगा ली है इस तरह से। उसके बाद जैसे कि हमने जो नीचे बेल्ट कट की थी उसको स्टिच करेंगे, इसको हम गुम स्टिच करेंगे, जैसे कि यहाँ से इसको ऐसे रखेंगे बिल्कुल, जो ये हमारी नोक है इसकी, इसको इस कॉर्नर में ऐसे रखते हुए बिल्कुल इक्वल और यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे। उससे पहले हमने एक बार प्लेटें डाल लेनी है, जैसे कि ये जो हमने प्लेटों के निशान लगाए हैं, सबसे पहले हम एक बार ये डाल लेंगे बैक हिस्से पर भी और फ्रंट हिस्से पर भी। प्लेटें डालने के बाद हम इस फैब्रिक को नीचे की तरफ रखेंगे, जैसे मैंने अभी बताया, जैसे कि ये बेल्ट हमारी एक्स्ट्रा जाएगी प्लेटें डालने के बाद, तो जो एक्स्ट्रा जाएगी उसको हम बाद में कट कर देंगे। यहाँ से ऐसे रखते हुए और इसको जब ऐसे रखेंगे, तो जब ये सिलाई हम इसके ऊपर लगा देंगे तो इसको सीधा करेंगे, उस टाइम हमारी ये सिलाई गुम हो जाएगी यहाँ से इस तरह से। तो एक बार मैं आपको यहाँ तक भी करके दिखाती हूँ। और यहाँ भी हमने कच्ची सिलाई लगा लेनी है, इसके हम नेक कट कर देंगे बैक से, जितना हमने नेक तैयार रखना है, जैसे कि मैंने बताया था 1.5 इंच की नीचे पट्टी फोल्ड होगी और 3 इंच की हमने पट्टी तैयार रखनी है, उसके बाद ये नेक हमारा कट हो जाएगा। तो ये नेक कट करके मैं नीचे ये साइड में पट्टी जो तैयार करते हैं वो भी कट कर लेती हूँ, और इसके ऊपर मैंने जो नेक लगाना है फ्रंट हिस्से पर वो मैंने इस तरह से तैयार किया है दोस्तों। ये मैंने बुकरम का नेक बनाया है, इसको हम इसके ऊपर लगा करके इसको भी तैयार कर लेते हैं, उसके बाद शोल्डर स्टिच करेंगे, वो मैं आपको फिर बाद में दिखाती हूँ यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद। ये देखिए ये हमारा ब्लाउज एकदम से रेडी हो गया है, इसका फाइनल लुक डालकर भी मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसा लग रहा था। ये बहुत ही सुंदर लग रहा था दोस्तों। ये फ्रंट का मैंने ये नेक इसका तैयार किया है और बैक का मैंने डीप नेक तैयार किया है, ओनली 3 हुक मैंने इसके ऊपर लगाए हैं बैक में इस तरह से। और ये कट स्लीव है, इसके नीचे मैंने ऐसे ही यूरेब की पट्टी लगाई है और उसको फिर फोल्ड कर दिया था, ये देखिए ऐसे। और जो आगे का हिस्सा था वो हमारा आगे से ज्वाइंट है, तो यहाँ से हमने ये प्लेटें डाली थी। ये एकदम से बहुत ही सुंदर बना है, जैसा हल्का सा इसका फैब्रिक था उसके अकॉर्डिंग ये बहुत सुंदर लग रहा था दोस्तों। तो फाइनल लुक इसका जरूर देखना और ये कैसा बना है कमेंट में जरूर बताना। अगर जरा सी भी वीडियो समझ आई है तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज। थैंक यू।